इस दुनिया में 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, उसमें से 130 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। क्या आपने आज तक एक भी सिगरेट नहीं पी है? क्या आप भी सिगरेट छोड़ना चाहते हो? या फिर आप सोच रहे हो कि भाई ये आदत मेरे को लगी कब, कैसे और क्या करूं मैं? बस यार एक ड्रैग ले ले, फिर मत लेना। लेना यार, इससे स्ट्रेस चले जाएगा। अबे ये पिएगा तो कूल लगेगा, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। सब लोग ही पी रहे तो शायद सही होगा। या तो किसी ने ये सारी चीजें आपको बोली है, या तो ये डायलॉग्स आपने खुद को मारे हैं। अगर कोई और डायलॉग है तो कमेंट में बताओ, पढ़ने को मजा आएगा। सिगरेट स्टार्ट तो होती है पर स्टॉप नहीं। ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते, पर हाँ मुश्किल है। और मुश्किल चीज करने में दर्द होता है, पर आज अगर दर्द नहीं झेला छोड़ने के लिए तो कल बहुत दर्द होगा मरने के पहले। आउच, ये तो काफी क्रेजी थॉट है ना, पर ये सब कौन सोचता है? फिलहाल तो मजा आ रहा है ना। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सिगरेट तो पी रहे पर उनको मजा नहीं आ रहा है। काफी कोशिश की है छोड़ने की पर हर बार हार जाता हूँ। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार कोशिश की है। इनफैक्ट रोज कोशिश करता हूँ। इतना हार्ड क्यों है ये? वर्ल्ड के टॉप एडिक्शंस में सिगरेट का एडिक्शन काफी खतरनाक है और उसे छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये लीगल है और इतना महंगा भी नहीं है। सब लोग करते ऐसा लगता है, पर सब लोग नहीं करते। कुछ लोग ही इसे करते हैं, पर तुम्हारे आसपास वही लोग है जो ये चीज करते हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब लोग करते हैं, जो कि गलत है। अच्छी खासी विल पावर लगेगी ये करने में। क्या होगा अगर मैं सिगरेट पीते रहूंगा? भाई मैं मर जाऊंगा। मरना तो सबको है ना। हाँ, पर सिगरेट की वजह से मैं नहीं मरना चाहता। सिगरेट सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबके लिए खतरनाक है। उसमें 4000 से भी ज्यादा केमिकल्स है भाई। इंसान के फेफड़े हवा लेने के लिए बने हैं, सांस लेने के लिए बने हैं। या तो पब्लिक अंदर धुआं डाल रही है, कार भी धुआं बाहर छोड़ती है, और इंसान इतना स्मार्ट होके अंदर लेता है, भाग नहीं सकते, रिश्ते खराब हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है सिगरेट नहीं मिला तो। गंदी बदबू आती है उंगलियों से, शर्ट से, मुंह से, हर जगह से। पैसे खर्च होते हैं, बीमार हो जाते हैं और एंड में मर जाते हैं। ये सब पता होने के बाद भी हम वो क्यों करते हैं? इंसान भी अजीब है। बस एक आखिरी सिगरेट पीता हूँ, फिर नहीं पीऊंगा। कल से छोड़ दूंगा, बर्थडे पे छोड़ दूंगा, अरे न्यू ईयर पे छोड़ दूंगा, इस दिन छोड़ दूंगा, उस दिन छोड़ दूंगा। एक दिन बिना बताए जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, खुद को कह रहा हूँ। मैं भी फटे सिगरेट पीता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। दिन में 3-4 बार कोशिश करता हूँ और 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ। कल ही छोड़ दूंगा। सब ट्राई कर लिया, निकोटिन गम चबाया, लवंग इलायची खा के देखा, हल्दी वाला दूध पिया, अब और क्या करूं? चल एक और सिगरेट पीता हूं। मेरी हर पी हुई सिगरेट और मुश्किल बना देती है मेरे लिए सिगरेट छोड़ना। मुझे तो पता है कि मैं इस चीज से एडिक्टेड हूं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है। मुझे पहले ऐसे लगता था कि मैं इसको जब चाहे छोड़ सकता हूं, पर ये गलत था। यार ये लूप से बाहर निकलना होगा, दोस्तों को बदलना होगा, या तो उनको बताना होगा कि मुझे मत पूछो, और उनसे थोड़ा टाइम के लिए मिलना बंद करना होगा जब तक मैं इस चीज को पूरी तरह ना छोड़ सकूं। क्या ये छूटेगी? अगर मैंने छोड़ भी दिया तो क्या बाकी लोग इसे छोड़ पाएंगे? यार मैंने स्टार्ट ही क्यों किया। फक।